ये न्यूज देख रहे हो, यहां पे इस न्यूज में एक भाई के 5.5 लाख रुपए चलेगा, उसके बाद भी वो परेशान है। पता है क्या गलती हो गई? लोन लिया था फर्जी ऐप से, रीपेमेंट कर दिया कि सोचा कि मैं चलो इस जंजाल से, मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन जो पैसा दिया वो पाकिस्तानी अकाउंट में गया। अब पुलिस को बात पता लगती है, पुलिस पूछताछ कर रही है कि तुमने पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा क्यों भेजा, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या तुम्हारे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान से, तुम्हारा ऐसा क्या संबंध है, ये है वो, दुनिया भर का उछेल के रख दिया है। दोस्तों अगर आप रिपेमेंट करने की सोच रहे हैं, गलती मत करना, पूरी न्यूज पढ़ लो, पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान से फर्जी लोन ऐप के संबंध निकल के आए हैं। अगर आपने लोन लिया या रिपेमेंट कर दिया है फर्जी लोन ऐप का, तो आप बुरा फंस सकते हैं। क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, पूरा वीडियो देखो, आपको जानकारी मिल जाएगी। सावधान, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन ऐप से लोन लिया है जो कि चाइनीज है, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कर दिया, आप फंस गए हैं और आपने इनका रिपेमेंट किया है, आपने सोचा कि यार मैं बवाल से बाहर निकलू, मैं इनका पेमेंट कर दे रहा हूं, तो वो पेमेंट सीधा पाकिस्तान जाता है। और ये बात अगर पुलिस को या किसी जांच एजेंसी को पता लगे कि आप पाकिस्तान में पेमेंट कर रहे हैं या कोई पेमेंट आया है लोन के तौर पर, तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। ऐसा ही एक माजरा दिल्ली में निकल के आया, जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंध निकल के आया फर्जी लोन ऐप्स के, जिसमें कि दिल्ली के करीब 3 लोग उसमें शामिल थे, पुलिस ने फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ आप बुरी तरह फंस सकते हैं। पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ गद्दार, भारत के कुछ गद्दार जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है, मिलके काम करते थे और ठगी करते थे। अब तक का 30 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं और कुछ मोबाइल वगैरह भी पकड़े गए हैं। पूरी न्यूज आपको बताऊंगा, आज की न्यूज है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन पैड लिख के आ रही होगी @LLVideos से आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसमें भी क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर बोलता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको न्यूज के बाद सबको समझाऊंगा, तो चलिए डायरेक्ट आपको न्यूज पे चलता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये NBT नव भारत टाइम्स की न्यूज है और आज की न्यूज है 11/58 यानी कि 18 मई 2023 की, ठीक है? आज की न्यूज है। सावधान, कहीं आपने ऐप से नहीं लिया लोन, ये खबर आपके होश उड़ा देगी। पाकिस्तान कनेक्शन निकला, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ, तुरंत लोन के चक्कर में ठगी करने वाले गिरोह लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनका पर्सनल डेटा ले लेते हैं, उसके बाद फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर उनसे रुपए ऐंठते हैं। पाकिस्तान से फर्जी लोन ऐप के जरिए लिंक भेजकर पहले छोटी रकम करते थे ट्रांसफर, इसके बाद लोगों को फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी देते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से नकदी, लैपटॉप और मोबाइल बरामद हो रही है। पूछताछ, हापुड़, दिल्ली NCR और उससे सटे जिलों में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे ठग फर्जी लोन ऐप के माध्यम से लिंक भेजकर मोटी रकम हड़प रहे हैं। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि ये लोग जो लिंक भेजते थे कि भैया आपको लिंक का पेमेंट करना है, या ये लोग जो लोन देते थे, ये पाकिस्तान से सारा ऑपरेट हो रहा था। और ऐसे एक भाई फंस के, उन्होंने रिपेमेंट किया था और जो कि पाकिस्तान के अकाउंट में गया और बुरी तरह फंस चुके हैं। अब जो है इंडियन पुलिस यहाँ पे पूछताछ कर रही है, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि अगर मैं बताऊंगा कि भैया मैंने लोन ऐप में पेमेंट किया था, मुझे क्या मालूम है कि किसी पाकिस्तान के पेमेंट किसी पाकिस्तानी के अकाउंट में पैसा जा रहा है। अब वो पूछ रहे हैं आप क्यों भेज रहे हो, क्या ताल्लुक है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस एक विषय बन चुका है, उस पर काम कर रही है। जरूरतमंद लोग ठगों की बातों में आकर लोन मिलने के लालच में उनके भेजे लिंक पर क्लिक कर देते थे, इसके बाद उनके मोबाइल का डाटा चोरी कर लिया जाता, इसके बाद साथ ही ठग लोगों को भरोसे में लेकर छोटी मोटी धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर कर देते, इसके बाद लोन से अधिक राशि की वसूली करने के लिए फोटो को एडिट करके आपत्तिजनक बनाते और फिर उसे बहाल करने की धमकी देकर रुपयों की वसूली करते। ऐसे ही एक ग्रोह का पर्दाफाश करते हुए 3 साइबर ठगों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और एक लग्जरी कार बरामद की है। SP अभिषेक वर्मा ने बताया कि साइबर ठगों ने हापुड़ के चिराग अरोड़ा को लोन दिलाने का झांसा देकर पाकिस्तान का फर्जी लोन ऐप क्रेजी मंकी डाउनलोड करा दिया, इसके बाद भेजे गए लिंक से उनके अकाउंट संबंधी डिटेल भरवा दी, उनके मोबाइल की फोन बुक डेटा भी कॉपी कर लिया, इसके बाद उनकी फोटो को एडिट करके असली बनाकर रिश्तेदारों के व्हाट्सएप नंबरों पर भेजकर 5.5 लाख रुपए वसूल कर लिए। मतलब कि जो बंदा था जिसने क्रेजी मंकी डाउनलोड किया, जिनके साथ ऐसा हुआ, उनसे 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए, ठीक है? 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। शिकायत के आधार पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने जांच की, पता चला कि पाकिस्तान में बैठे ऐप संचालक ठग बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी के जरिए रुपए ट्रांसफर करते थे। साइबर सेल की टीम ने इस ग्रुप का पर्दाफाश करते हुए 3 ठगों, प्रशांत निवासी आनंदा अपार्टमेंट दिल्ली, जितेंद्र अभिषेक तिवारी निवासी काफ सेहड़ा दिल्ली सुजारसी टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया। उनके पास से
पांच मोबाइल लैपटॉप 5700 रुपए और एक लग्जरी कार बरामद हुई है पाकिस्तान बांग्लादेश का कनेक्शन। एसपी ने बताया कि इन फर्जी लोन ऐप का संचालन पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देशों से होता है। ये गिरोह एनसीआर क्षेत्र और अन्य राज्यों में सक्रिय है। ये लोग लोकेशन बदल बदल कर अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को कॉल करके ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। इस ग्रुप के लोग अब तक हजारों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। लोन के लालच में बनते हैं शिकार। लोन लेने के गूगल प्ले स्टोर पर अन्य वेबसाइट पर ऐप तलाशते हैं, वहां से ठगों का शिकार बन जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश संचालित ऐप जैसे क्रेजी मंकी, कैश लोन और आदि डाउनलोड करते ही पीड़ित की फोटो वीडियो समेत निजी जानकारी ठगों के पास पहुंच जाती है। आरोपी जरूरतमंदों को लोन के नाम पर कुछ रुपए देते हैं, बाद में कई गुना राशि वसूलते हैं। पैसे न मिलने पर आरोपी लोगों की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और मनमानी रकम वसूलते हैं। विदेश में बैठे ऐप संचालकों को भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए साइबर ठगों ने 10 माह में 30 लाख रुपए से ज्यादा रकम की वसूली की है। तो ये न्यूज थी। तो यहाँ पे जो ये तीन लोग पकड़े गए हैं, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते थे और एक लिंक भेजते थे, जो ऐप का लिंक होता उस पे ऐप को डाउनलोड करवाते थे, पूरी जो उनकी डिटेल्स थी उसको हैक कर लेते, अकाउंट नंबर भरवाते और आधार कार्ड पैन कार्ड लगवाते थे और पूरा का पूरा उनका डिटेल्स को हैक करने के बाद उनको परेशान कर देते, 7 दिन का लोन दे दिया, ठीक है, उनको परेशान कर देते। ये सिलसिला चल रहा था बांग्लादेश और पाकिस्तान के कनेक्शन निकल के आए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है कि अगर मान लीजिए आपने लोन लिया और आपने सोचा कि चलो यार मैं जंजाल से बाहर निकलूं, इस मैटर से बाहर निकलूं, मैं फंस गया हूं यार, मैं क्या सुनाऊं कि यार कि बहुत भीतर फंस जाऊं यार, जंजाल से बाहर निकलो, पैसे यार दे दो इनको, खत्म करो, रिपेमेंट करो यार, कितना भी हो। आपने तो पैसे इसलिए भरे कि मैं इस जंजाल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन उल्टा ही और फंस गए क्योंकि पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा जा रहा है। और जब पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा जा रहा है, अगर ये बात पुलिस को पता लग गई तो पुलिस तो कहेगी कि भैया आपने पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा कैसे डाल दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि भैया मैं तो फर्जी लोन ऐप का चक्कर में फंस गया था, इनसे बचने के लिए, इनसे बाहर निकलने के लिए मैंने पैसा जमा किया। तो पुलिस को ये सफाई देते देते थक जाओगे। यहाँ पे ऐसे दिल्ली के युवक फंस चुके हैं, अब कुल मिला के वो बच गए हैं, लेकिन जो परेशानी उनको 2 दिन तक झेलनी पड़ी, थाने में बैठे रहे, सफाइयां देनी पड़ी, पूछताछ की गई, ये क्लियरिफिकेशन, ये सफाई देना, सबूत देना, ऐसा करना, वैसा करना, तो उनका जीना हराम हो गया। उन्होंने बोला सर मैं बहुत परेशान हो गया, इतनी बड़ी मुझसे गलती हो गई कि मैं मतलब कि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है, मुझे इनका रिपेमेंट करना ही चाहिए था। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप रिपेमेंट करना है तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये न्यूज का मतलब यही है, यहाँ पे तीनों पकड़े गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इनका कनेक्शन निकल के आया है। तो दोस्तों अगर आप फर्जी लोन ऐप में फंस गए धोखे से अनजाने में जाने में, तो आपने इनसे लोन लिया तो अब इनका रीपेमेंट ना करें, क्योंकि रीपेमेंट करना ही सबसे बड़ा खतरनाक होता है। हो सकता है कि आप जिसमें पेमेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान का अकाउंट हो, और पाकिस्तान का हमारे संबंध कैसे भारत से आपको पता ही है, पाकिस्तान से कॉल आ जाए या हम कॉल कर लें, अगर पता लग जाए जो हमारी पुलिस है जांच एजेंसी है तो आपसे पूछताछ कर करके फिर धोखे में भी हो जाए ना, तो आपसे इतनी पूछताछ करेगी ना कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो धोखे से भी ये काम ना करें, आप रीपेमेंट बिल्कुल भी ना करें अगर आपने धोखे से लोन ले लिया, बस यही बचने का तरीका है। फिलहाल उम्मीद आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस न्यूज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, वरना बहुत से लोग कहेंगे तुमने तो ये फर्जी न्यूज बना दी है। क्या दोस्तों उम्मीद पूरी बात समझ गए होंगे। अगर आप फर्जी न्यूज से परेशान है तो आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। चैनल पर इंटरव्यू में आपके पास कोई भी ऑडियो वीडियो कोई प्रूफ एविडेंस मुझे दें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, चैनल पर एक्सपोज करूंगा। इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे फर्जी न्यूज आपको पूरी तरह से बंद कराना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद पूरी बात समझ गए होंगे। तो चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।